ongoing thing. Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट. तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? द रीजन इज द इलेक्ट्रॉन विच हैव इनकम्प्लीट टी फील्ड. बिकॉज इन द डी ब्लॉक एलिमेंट द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन डी ऑर्बिटल्स. इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन डी ऑर्बिटल्स. And d orbitals are not completely filled, they are partially filled. So these elements are called transition element. The reason is the elements which have incompletely filled or partially filled d subshell. So d subshell kya hote hain? Isme partially filled hote hain, fully filled nahi hote. To is wajah se isko hum kya bolte hain? Transition element kehte hain. To kya condition hai partially filled ya fully filled orbital ki? या तो एलिमेंट अपने ग्राउंड स्टेट में पार्शली फिल्ड या फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स रखते हो, या फिर एलिमेंट अपनी एक्साइटेड स्टेट में उनके पास में क्या हो, पार्शली फिल्ड क्या हो उसके पास में, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो, तो उनको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी का देखा होगा, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी का. तो जिंक एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखते हैं तो इसके सबसे लास्ट में आता है, ये देखो मैं लिख देता हूँ, आर्गन क्रोड 3d10 एंड 4s2. जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं जिंक का, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है. जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, या तो फुली फिल्ड हो या पार्शली फिल्ड होंगे. इसमें या तो अपने ग्राउंड स्टेट में पार्शली फिल्ड होंगे या फिर अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर पार्शली फिल्ड होंगे. तो जब हम जिंक का एग्जाम्पल देखते हैं ना, देखो यहाँ पर जिंक का, तो यहाँ पे एक जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेप्शनल केस शो करता है. ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता. जिंक है, कैडमियम है और एच जी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आते. बाकी सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं. तो दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको. रीजन क्या है? यहाँ पे देखो, इसके अंदर डी सबसेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है. डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है? फुली फील्ड स्ट्रक्चर है. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट है जिसके अंदर डी सबसेल क्या हो? पार्शियली फील्ड हो. ये एक नेसेसरी कंडीशन है. तो जिंक का अगर मैं एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ करता हूँ, एक्साइटेड स्टेट का मतलब है अगर जेड एन प्लस टू बनाएंगे तो इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन क्रोड 3d10 ये स्ट्रक्चर हो जाएगी. तो इसके अंदर भी ये अपनी ये जो रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर क्या होने चाहिए, पार्शियली फील्ड या इनकम्प्लीटली फील्ड डी सबसेल होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल नहीं कर पाता है. तो जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. आई थिंक दिस पॉइंट आर वेरी क्लियर. तो कौन कौन से एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे इसमें? टोटल हम 30 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट में हम टोटल कितने पढ़ेंगे? 30 एलिमेंट को पढ़ेंगे. 30 एलिमेंट से डी ब्लॉक एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वो कितने हैं? 30 एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं. तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कॉपर, आर्जेंट, सिल्वर एंड ओरम जो ग्रुप 11 के मेंबर हैं, कॉपर सिल्वर एंड ओरम इनको हम कॉइन मेटल बोलते हैं, कॉइनेज मेटल, क्योंकि इससे कॉइन बनाते थे पहले के जमाने में. आज भी बनाते हैं गोल्ड के और सिल्वर के कॉइन, तो मार्केट में अभी भी मिलते हैं, आप सभी को पता ही होगा, ये आपको पता चल गया होगा अब आपको. जैसे कॉपर की अगर हम बात करते हैं, कॉपर की, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन क्रोड 3d10 4s1. अब देखो ये इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर डी के अंदर फुली फिल्ड ऑर्बिटल है. अब जब हम कॉपर प्लस टू बनाते हैं,
तो जब कॉपर प्लस टू बनाते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाती है आर्गन क्लोराइड 3D9 and 4S0, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब यहाँ पे 3D9S का मतलब यहाँ पे क्या है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, अभी फुली फिल्ड नहीं है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये 3D9 की स्ट्रक्चर है। अब ये 3D9 की स्ट्रक्चर में ये जो डी ऑर्बिटल है क्या है, ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो इस वजह से कॉपर भी किसकी कैटेगरी में आता है, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे देखो ग्राउंड स्टेट के अंदर तो फुली फिल्ड स्ट्रक्चर है, ग्राउंड स्टेट के अंदर तो फुली फिल्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम इसका एक्साइटेड स्टेट देखते हैं तो इसके अंदर हमें क्या मिलती है, पार्शियली फिल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर। तो अब इनकी जो सिचुएशन है डी ब्लॉक एलिमेंट की, कहाँ से कहाँ तक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट मिलेंगे हमें ग्रुप ग्रुप 3 2, ग्रुप नंबर 3 2, ग्रुप नंबर 12 तक कंटिन्यू कौन से एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट आर इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में जब हम बात करते हैं तो इनके लेफ्ट हैंड साइड में तो आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, इनके लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट और इनके राइट हैंड साइड में आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। इनके राइट हैंड साइड में आएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, तो दोनों के बीच में आते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे मेटल्स होते हैं, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें मोस्टली कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स भी होते हैं और मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, तीनों कैटेगरी के एलिमेंट्स हमें पी ब्लॉक एलिमेंट में देखने को मिलते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में किस टाइप के एलिमेंट मिलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में मोस्टली मेटल्स होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट में भी मोस्टली क्या होती है, मेटल्स ही मिलेगी हमें। तो इन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अब ट्रांजिशन का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ लिया कि इनकी ग्राउंड स्टेट में यानी कि एक्साइटेड स्टेट में कौन सी स्ट्रक्चर होगी, हाफ फिल्ड सॉरी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इनके अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल्स में D10 स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलने वाली है, पार्शियली फिल्ड मिलेंगे या इनकम्प्लीटली फिल्ड हमें डी ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की तीन सीरीज, इंपॉर्टेंट सीरीज है जो हमें पढ़नी है। फर्स्ट है देखो 3D सीरीज, ये है 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज, ये है 5D सीरीज और ये 6D सीरीज। वैसे चार सीरीज है इसकी, तो चार सीरीज के अंदर टोटल 40 एलिमेंट्स है, लेकिन हमारे काम के जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 30 एलिमेंट है। 30 एलिमेंट के बारे में स्टडी करनी है इस चैप्टर में, 30 एलिमेंट। तो 30 एलिमेंट कौन कौन से हैं 3D सीरीज के, 3D सीरीज जो फोर्थ पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड है बच्चों, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, सिक्स पीरियड है और ये सेवन पीरियड है। तो जो फोर्थ पीरियड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाते हैं, 3D के अंदर भरे जाते हैं, 3D ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट कहने का रीजन क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होता है इनमें किस में जाता है, डी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, हम डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट। तो अब इनको याद करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका है, मैं बता देता हूँ याद करने का तरीका भी, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, वो आप लोगों को याद रखनी है। तो 3D सीरीज को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ सबसे पहले, 3D सीरीज को तो ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। तो ट्रिक है स ति व क्र मन फे को नी कु जन, स ति व क्र मन पे को नी कु जन, दिस द ट्रिक टू बाई हार्ट 3D सीरीज एलिमेंट, 3D सीरीज एलिमेंट को याद करने की ट्रिक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं फोर्थ डी सीरीज को याद करने की ट्रिक। तो फोर्थ डी सीरीज को याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर आपको नोटबुक में नोट करनी है तो नोट भी कर सकते हो आप, आपके
आराम से याद हो जाएंगे आपको एलिमेंट्स किस टाइप से आपको याद करने हैं, क्योंकि याद होना जरूरी है। जब आपको एलिमेंट्स के नाम याद होंगे तभी आपकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ पाओगे। तो 3D हमने पढ़ दी, 3D सीरीज के बारे में हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं 4D सीरीज के बारे में। तो जो 4D सीरीज हमारी स्टार्ट होगी वो होती है यट्रियम से। भाई अब दीज आर द 10 एलिमेंट्स ऑफ 4D सीरीज। तो ट्रिक है वाई झर नब मु तक री रो पढ़ ए जी सी डी। तो बता देता हूँ क्या इसकी बीच में हिस्टोरी है, कि एक दो दोस्त हैं, दो दोस्त में एक का नाम होता है झरनब, और उसको बोलता है उसका दोस्त, उसका फ्रेंड बोलता है कि क्यों मुंह तक रहे हो मेरा, तुम ए बी सी डी पढ़ो। तो जल्दी जल्दी में बोलता है, तो ए बी सी डी को वो बोल देता है ए जी सी डी, ए जी सी डी बोल देता है। तो याद करने की ट्रिक ये मैंने बनाई है, आप लोग अपनी ट्रिक कैसी भी बना सकते हैं, याद करने के लिए आप अपने तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। तो है वाई जर्नब वाई, ये हो गया वाई जर्नब, वाई जर नब, वाई जर्नब मुंह तक री हो पढ़ एजी सी डी। ये ट्रिक मैंने बनाई है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। वाई जर्नब मुंह तक री हो पढ़ एजी सी डी। तो ये ट्रियम जर्कोनियम नायोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रोइनियम रुथेनम पैलेडियम अर्जेंटम एंड कैडमियम, ये एलिमेंट है। ये 10 एलिमेंट है जो 4D सीरीज के अंदर आते हैं, 10 एलिमेंट है। 3D सीरीज के मैंने बता दिए, सत्यु सतीव क्रमण फेको निकुजन, सतीव क्रमण फेको निकुजन, ये हमने बता दिया। उसके बाद में हम बता देते हैं 5D सीरीज का, 5D सीरीज का भी बता देते हैं। तो 5D सीरीज आप एक बार देख लो कौन कौन सी है। तो लेंथेनम से स्टार्ट होती है, लेंथेनम से स्टार्ट होती है, और 57 जिसका एटॉमिक नंबर है लेंथेनम से स्टार्ट होती है। ये जो 4D सीरीज है ये 39 से शुरू होती है और 48 तक चलती है, इसका एटॉमिक नंबर 48 है। ये इसका 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। अब हम पढ़ लेते हैं 5D सीरीज के बारे में। तो 5D सीरीज को याद करने की ट्रिक भी हम बता देते हैं, तो वो सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखिए टेबल को, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखो ला हफ्ता भर ना रे, ला हफ्ता, ला ला हफ्ता हफ्ता, एल ए ला एच एफ हफ्ता, वरना रे ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। तो इससे आप 5D सीरीज भी याद कर सकते हो। तो 5D सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट है, ये 10 एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर इनका स्टार्ट होता है 57 से, उसके बाद में डायरेक्ट आता है 72। ये ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट मत लिख देना 57, 58, 59, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है। 57 के बाद में सीधा 72 आता है। यहाँ पे 14 एलिमेंट है ना, 58 से लगाकर, 58 से लगाकर 71 एलिमेंट्स, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट है जिसको जगह नीचे दे रखी है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे उसको प्लेस नहीं दिया हुआ। यहाँ पे देखो ये 58 से 71, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये टोटल 14 एलिमेंट्स है यहाँ पे, इस सीरीज में टोटल 14 एलिमेंट है। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। आपको अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी हम देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात क्या है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं वो दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे, डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे। दूसरा, डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होने के बाद में इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं ना डी सब सेल में, वो
इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? पार्शियली फिल्ड रहते हैं या इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ये डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं या पार्शियली फिल्ड होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी देख लेते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा एन माइनस वन डी वन टू टेन एंड एन एस वन टू, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस वन टू। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट, एंटायर डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने 40 एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें से हमें 30 एलिमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम इस टाइप से देते हैं। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है 3D सीरीज, जिसका हमने जिक्र अभी कर लिया। स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक तक जाती है, याद करने का ट्रिक भी मैंने बता दी 3D सीरीज। उसके बाद में 4D सीरीज होती है, 4D सीरीज को हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं और स्टार्ट होती है एट्रियम से और कैडमियम तक चलती है। टोटल यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 एलिमेंट्स यहाँ पर भी हमें मिलेंगे। थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है वो लैंथेनम से स्टार्ट होती है और मर्क्यूरी तक जाके एंड होती है, यहाँ पर भी हमें 10 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होती है वो इनकम्प्लीटली होती है, वैसे वो तो इसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 एलिमेंट्स भरे जाते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आते नहीं। ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे 3D सीरीज में, 4D और 5D सीरीज में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो इसको भी हम देख लेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, दीज आर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप 11th क्लास से लिखते आए हो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो बातें को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रोमियम का और कॉपर का। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है और कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने में सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस, यहाँ पे क्या मिलते हैं हमें, एक्सेप्शनल केस मिलेंगे, तो एक्सेप्शनल केस का खास के हमें ध्यान रखना होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोग इसमें लिख ही देंगे। एक्सेप्शनल केस अभी हमने डिस्कस कर लिया था कॉपर का और क्रोमियम का है। कॉपर और क्रोमियम में क्या होगा, क्रोमियम के अंदर 3D5 4S1 स्ट्रक्चर आएगी और कॉपर के अंदर 3D10 4S1 स्ट्रक्चर आती है। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, जो कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं डी के अंदर, वो क्या होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इनका कॉन्फिगरेशन कुछ एक्सेप्शनल केस शो करता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज येट्रियम से शुरू होती है और कैडमियम तक चलती है। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, येट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये एलिमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक देखो, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका थोड़ा सा चेंज है। तो थोड़े से जो एक्सेप्शन केस वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, उनको ज्यादा से ध्यान रखना है। ये इनमें देखो, यहाँ पे इनका एक्सेप्शनल केस वाले एलिमेंट्स है ये सारे। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते समय थोड़े से आपको सावधानी बरतनी है और अच्छे से इनको देख लेना, लिख लेना है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते समय। डी ब्लॉक एलिमेंट हैव इन जनरल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, द इनर कोर ऑफ एलिमेंट्स विद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन NH2NP6 होता है, आप लोगों को पता होगा। तो N-1d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली, सबसे पहले N-1d ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए जब भी हम लिखते हैं। और मोस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन दीज आउटर मोस्ट NS सब सेल, सम ऑफ द एलिमेंट्स जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेनेबियम, रूथियम, आर्जेंटम, लेड, कॉपर एंड आरजी हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन NS सब सेल, ये ध्यान देना है, ये वाली बात ध्यान देनी। इनके जो NS सब सेल होता है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा इन एलिमेंट्स में खास के।
और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है लेड का, लेड के अंदर NS0 कंडीशन आती है, NS0 ये लेड का एटॉमिक नंबर 46 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्रिप्टॉन 4d10 3 5s0, क्रिप्टॉन होता है एटॉमिक नंबर 36, 36 क्रिप्टॉन का होता है इनर्ट गैस है ये, तो इनर्ट गैस लिखा, क्रिप्टॉन को ब्रैकेट में लगाया, इसको बोलते हैं क्रिप्टॉन क्रोड। इसी टाइप से लेंथ है ना, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है 5d के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन 5d के अंदर जाता है बिफोर फिलिंग 4f, 4f भरने से पहले एक इलेक्ट्रॉन को 5d में डालना होता है, 5d ऑर्बिटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है, उसके बाद में सारे इलेक्ट्रॉन्स 4f ऑर्बिटल के अंदर फिल हो जाएंगे। अब 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो वो एक्सेप्शनल केस शो करेगा अबाउ प्रिंसिपल का, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस बनता है लेंथ एनम का। तो ये दो तीन जो पॉइंट है वो आप लोगों को अच्छे से देखना है। इनके सिंबल भी है तो सिंबल भी देख लेना आप। हाँ तो ये देखो, अगर इनकी आयोनिक फॉर्म है तो कभी कभी आपको आयोनिक फॉर्म में भी पूछ लेते हैं कि जैसे Fe+3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के बताओ, Fe+3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, तो 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं Fe के अंदर, तो Fe3+ के अंदर कितने हो जाएंगे, अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 23 ओनली, तो 23 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, ना कि 26 के हिसाब से, ये बात आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, ये बात आपको विशेषकर ध्यान देनी है कि Fe+3 दे दें तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 26 होता है, तो आपको 26 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं लिखना है, 23 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लिखेंगे, तब जाके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सही होगा, क्योंकि Fe+3 है ना, इसने Fe ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो Fe+3 कंडीशन आती है। अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट, तो सबसे पहला जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या करते हैं, टिपिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो सॉरी मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देख, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेल्येबल, मेटल्स हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, ये सब क्या है, मेटल्स के कैरेक्टर है, ये मेटल्स के कैरेक्टर ये डी ब्लॉक एलिमेंट भी शो करते हैं, क्योंकि ये मेटल ही होते हैं एक्चुअल में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्ट मोस्ट मेटल्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, मेटल होते हैं 90% जो एलिमेंट्स है वो मेटेलिक कैरेक्टर के हैं। नेक्स्ट है पॉइंट सेकंड, सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा हमें, मेटल है वो, मर्क्यूरी, व्हिच इज लिक्विड एज रूम टेम्परेचर, अदर ट्रांजिशन एलिमेंट हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, तो लिक्विड के फॉर्म में मिलता हमें एक एलिमेंट मर्क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और हाई होने का रीजन है क्योंकि मेटल्स हैं, तो मेटल्स तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जब हम इसको गर्म करते हैं तब जाके वो मेल्ट होता है, पहले मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद में बॉइल होना स्टार्ट होता है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट इनके बहुत ज्यादा हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन है यहाँ पे, ये इनकी जो नेचर होती है वो किस किस फॉर्म में मिलते हैं, ये जनरली सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, और जो सॉलिड होते हैं उनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है वेरी हाई डेंसिटी, तो जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, फर्स्ट और सेकेंड के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। नेक्स्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आर हायर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट बट लेसर देन दोज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, अगर हम इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो एस ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट से तो ज्यादा ही होगी इनकी ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन इनकी जो ट्रांजिशन स्टेट, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपेरिजन में कम होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो सारे जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं खुद।
मोस्ट ऑफ येस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अब ये कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? डीडी ट्रांजेक्शन की वजह से। अब ये डीडी ट्रांजेक्शन क्या है, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डीडी ट्रांजेक्शन की वजह से ये जो कंपाउंड है, डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करते हैं। जितने भी कलरफुल आपको जो सॉल्ट मिलते हैं वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं, और साथ में ये जो एलिमेंट्स है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर वेरी गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाला जो पोर्शन है ना, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। दे एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला 3D के अंदर, 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा वेरिएबल और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? कमेंट बॉक्स में आपको अगर पता है इसका आंसर तो जल्दी से लिख के बताइए। विच एलिमेंट शोज हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज? 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10, द कंपाउंड्स आर जनरली पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पैरा मैग्नेटिक क्या होते हैं? पैरा मैग्नेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी कंपाउंड में आपको अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो क्या शो करेगा? पैरा मैग्नेटिज्म शो करेगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयरिंग में है, तो वो क्या शो करता है? डाया मैग्नेटिज्म शो करता है। पैरा मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। जब इन कंपाउंड्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके आते हैं तो क्या होगा, ये कंपाउंड्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे फॉर्म एलॉय विद द मेटल्स। तो एलॉय क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर मेटल्स कंबाइंड ईच अदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन देन दे फॉर्म एलॉय। व्हेन टू और मोर मोल्टन मेटल्स आर कंबाइंड इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन देन दे फॉर्म एलॉय, तो वो एलॉय बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ब्रास है, तो ब्रास किसका मिक्सर होता है? जिंक का और कॉपर का। तो जिंक कितने परसेंट होती है, कॉपर कितने परसेंट होती है, कमेंट में बताओ अगर आपको पता है इसका आंसर। इसी टाइप से स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील नाम सुना होगा आपने, स्टेनलेस स्टील। इसके अंदर होता है आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल, ये तीन मेटल होती है इसके अंदर। तीन, ये इसमें कार्बन तो नॉन मेटल है, दो मेटल होती है आयरन और निकल, दो मेटल होती है और एक कार्बन भी होता है इसके अंदर। तो इसमें बताओ स्टेनलेस स्टील में इनका कंपोजिशन क्या है? अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड। इंटरस्टीशियल कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ में, बोरोन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में मिलके। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल में मैंगनीज आएगा, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम एंड प्लेटिनम एंड देयर कंपाउंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर ए गुड कैटलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो मैंगनीज के बहुत सारे कंपाउंड है जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। इसी टाइप से निकल के हैं, कोबाल्ट के हैं, क्रोमियम के, वेनेडियम प्लेटिनम के हैं, ये सब क्या करते हैं? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। इसकी तरह बिहेव करेंगे, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। आई थिंक दिस कंसेप्ट आर वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आपको। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज। तो जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने देख ही लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोगों को आना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत सिंपल है, 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ दो केस में हमें ध्यान रखना है। किस किस केस में? एक तो क्रोमियम के केस में 24 में, और एक 29 के केस में हमें ध्यान देना है कॉपर के केस में। ये एक्सेप्शनल केस शो करते हैं। देखो यहाँ पे 3D3 आया ना, तो यहाँ पे सीधा 3D5 आ गया, ये ध्यान देना है यहाँ पे। और बाकी नॉर्मली है पॉइंट, इतना कोई खास नहीं है इसमें। तो ये आप लोग आराम से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लिख सकते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है मेटल का। अब अगर इसका मेटल का, अब इस मेटल ने अगर एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करती है तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? अगर M+2 बनाती है तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? और अगर M+3 बनाती है तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? तो तीनों कंडीशन में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो सबसे पहले S से जाएगा इलेक्ट्रॉन। देखो S से इलेक्ट्रॉन गया है,
ऐसे जाने के बाद में जब एस के पूरे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तब डी की बारी आएगी, तब डी की बारी आएगी। सबसे पहले हायर एनर्जी लेवल वाला जो ऑर्बिट होता है ना, सबसे पहले तो उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात आती है तो सबसे पहले हायर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट सबसे में से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिमूव होते हैं। नेक्स्ट इनकी देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की जो वैल्यू है, स्कैंडियम से जिंक की तरफ जब बढ़ते हैं ना तो इनके वैल्यू देखो, पहले तो धीरे धीरे बढ़ रही है। कहाँ तक बढ़ी है? यहाँ पे 23 तक एटोमिक नंबर वेनेडियम तक बढ़ी है। उसके बाद में स्लोली स्लोली क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो यहाँ पे 398 हो गई, उसके बाद में 279 हो गई, उसके बाद में वापस यहाँ पे बीच में बढ़ी और फिर वापस जाके कम हो गई। जिंक की बहुत ज्यादा कम हो गई। तो ये मेटल की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेटल की स्ट्रक्चर किस टाइप से है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी दे रखी है। फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दो दो दे रखी है इसमें। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जिसके बारे में हमें ध्यान देना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो किसी भी आइसोलेटेड एटम में से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के या आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो मेटल के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू देखो अलग अलग दे रखी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन की एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है। तो ये बात जनरल ट्रेंड है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही बहुत ज्यादा होती है, और थर्ड की कंपैरिजन में थर्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कंपैरिजन में थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जब हम वैल्यू देखते हैं तो इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जब हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है वो न्यूट्रल एटम में से निकलता है, न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की बात होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब हम सेकेंड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, किससे रिमूव करना है? हमें एम प्लस से रिमूव करना होता है, मेटल प्लस से रिमूव करना होता है। तो मेटल प्लस से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो प्रोटॉन के नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ न्यूक्लियस की जो पकड़ है, जो स्ट्रेंथ है और जो अट्रैक्शन है बिन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है। और उस वजह से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए लार्ज अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में सेकंड की वैल्यू हमेशा बहुत ज्यादा होती है, और सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड की जब हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे रीजन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव होगा, एम प्लस प्लस से रिमूव होता है। एम प्लस प्लस टू में यहाँ पे देखो फिर यही बात आ गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की जो पकड़ है, जो अट्रैक्शन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं होने देता है क्योंकि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए लार्ज अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है, सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट आर वेरी क्लियर। उसके बाद में इनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखे हैं, फिर डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी बढ़ती है, हमने पहले ही इसका डिस्कस कर लिया था। जिंक के अंदर थोड़ी सी कम होती है तो जिंक में थोड़ा सा एक्सेप्शन किए थे। एटॉमिक रेडी, तो एटॉमिक रेडी देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो एक स्पेशल ट्रेंड आता है इसके अंदर, ठीक है? तो जनरली डिक्रीज होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियस, लेकिन इसके अंदर ट्रेंड क्या है कि पहले तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू जाने से एटॉमिक रेडियस पहले डिक्रीज होती है, उसके बाद में एक एक तरह से कॉन्स्टेंट हो जाती है, और कॉन्स्टेंट हो जाने के बाद में वापस थोड़ी सी बढ़ती है। पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, ये एटॉमिक रेडियस का कर्व बनाया मैंने, ये एटॉमिक रेडियस का मैंने कर्व बनाया। ये एलिमेंट ले लो इधर और यहाँ पे ले लो एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर एक्स एक्सिस पे। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एलिमेंट में, यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट लिखे हुए और इनके पिकोमीटर के अंदर साइज लिखी हुई है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरली क्या होना चाहिए, एटॉमिक साइज कम होनी चाहिए। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। ट्रेंड क्या कहता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, थ्री डी सीरीज में, कि एटॉमिक रेडियस पहले तो
डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने के बाद में एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट होने के बाद में वापस एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। देखो यहाँ पे, देखो स्कैंडियम से जब हम जिंक की तरफ बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में दे रखी है, तो 164 है, देन 147 है, देन 135, ऐसे करके ये एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, पहले धीरे धीरे कम हो रही है, और धीरे धीरे कम होने के बाद में ये क्या हो जाती है, एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा एक एक तरीके से स्टेबल हो जाती है। देखो यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और जिंक के केस में एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट है, देखो 126, 125, 25, उसके बाद में वापस बढ़ने लगती है, तो 128 और 137 हो जाती है। इसका रीजन हम देख लेते हैं, इसका रीजन क्या कहता है,